कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी टिकट मिलने के बाद पहली बार शनिवार को खातेगांव पहुंचे। वे नेमावर में मां नर्मदा और भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करने वाले थे। इससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया और काले झंडे दिखाए, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनकी कार के कांच तक फोड़ दिए। जोशी के गार्ड कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंस गए और उनके साथ भी धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के बीच जोशी गाड़ी में से निकले, कुछ देर रुके और फिर साथियों के साथ नेमावर निकल गए। हालांकि हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि जोशी के गार्ड ने पहले गाली गलौज की, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया जिसमें गाड़ी के कांच फूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।